अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पिछले चैप्टर्स देख लिए हैं। यदि नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, इन्हें देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन आपके पल लेनी पड़ेगी। चैप्टर 4 की शुरुआत में अलेक्जेंडर सभी गाँव वालों को एक विशेष प्रावधान बताते हैं कि रात को गाँव के सभी बच्चे जो भी 13 साल से कम हो उन्हें बाहर नहीं निकला दिया जाए, खास तौर से लड़कियों को। अब उसी रात निकोलाय को फिर से अपने बचपन का विजन नजर आता है, तभी उसका दोस्त यकीन वहाँ आते हैं। निकोलाय उनसे सवाल करता है कि क्या मेरे जन्म के समय कुछ रहस्यमय हुआ था, पर कमरे से निकलने के बाद यकीम निकोलाय के जन्म के समय की बात सोच रहे होते हैं कि निकोलाय के पिता को एक और मरा हुआ बच्चा देखना पड़ा जिसके कारण उसके पिता बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें एक बच्चा दे जो इस दुनिया में जीवित रहे। वो वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसके नाक पर एक पट्टी बंधी हुई होती है। वो बताता है कि तुम्हें अगर एक स्वस्थ बच्चा ये तो तुम्हें एक काम करना होगा। निकोलाय के पिता एक बच्चा पाने के लिए किसी भी काम को करने के लिए राजी थे, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाती है। अगले दिन 7 लड़कियों के घर में रहस्यमय घुड़सवार का रहस्यमय निशान बन जाता है। डॉक्टर बताते कि ये किसी कुत्ते के खून से बना हुआ है। निकोलाय समझ जाता है कि शायद रहस्यमय घुड़सवार का शिकार ये 7 लड़कियां हैं, पर अलेक्जेंडर को लगता है कि रहस्यमय घुड़सवार का साथ कोई और इंसान भी दे रहा है जो उसे उसका शिकार ढूंढने में मदद करता है। अगले सीन में गांव की कोई बूढ़ी बुजुर्ग एक लड़की उल्याना से पूछती है कि तुमने उसका कुत्ता देखा, और वो बताती कि उसे नहीं मालूम। वो बूढ़ी कहती कि रहस्यमय घुड़सवार ने 7 लड़कियों के घर पर निशान लगाया है और वो उन्हें मारने वाला है, पर उल्याना बुजुर्ग का मजाक उड़ा बैठती है कि रहस्यमय घुड़सवार जैसा कुछ नहीं है, और वो वहां से चुपचाप चली जाती है, पर उनकी बातें कोई अनजान आदमी सुन रहा होता है। वहीं यहाँ निकोलाय डॉक्टर और उसका सर्वेंट लीसा के घर पे आते हैं, और लीसा के घर में भी वही रहस्यमय निशान होता है। निकोलाय कहता है कि रहस्यमय घुड़सवार ने 7 नहीं बल्कि 8 लड़कियों के घर पर निशान लगाया है, और 8वीं लड़की लीसा ही है। आज की रात त्योहार वाली रात होने के कारण निकोलाय सभी 7 लड़कियों को गांव से बाहर किसी वीरात खेत में छुपा देने को कहता है, ताकि रहस्यमय घुड़सवार को पता ना चले कि लड़कियां कहां हैं, और वो लीसा को भी लेने उसके घर जाता है। वो सारी बात लीसा और एलेक्स को बताता है कि रहस्यमय घुड़सवार ने तुम्हारा भी घर निशाने पर लिया है, और वो लीसा का भी शिकार करने के पीछे है। इसलिए निकोलाय लीसा को भी उन लड़कियों के साथ रहने को कहता है, पर एलेक्स कहता है कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा खुद कर सकता हूँ, और वो निकोलाय को वहाँ से जाने को कह देता है। उसी दिन पेंटर की छोटी बेटी वैसिलीना अपने घर जा रही होती है कि वहाँ उसे रास्ते में ओलियाना के घर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वैसिलीना जिज्ञासा में उसके घर में झांकती है तो उसे नजर आता है कि ओलियाना अपने बनाए कपड़ों को हवा में उड़ा रही होती है, और वहीं एक मरा हुआ कुत्ता भी होता है जिसके शरीर से खून निकल रहा होता है। पर तभी ओलियाना वैसिलीना की घुसपैठ पकड़ लेती है और उसके ऊपर हाथ रखकर उसे अंदर आने को कहती है, पर ओलियाना के उसके ऊपर हाथ रखती उसके डरावने नाखून निकलने लगते हैं मानो कि वो कोई डायन हो। ओलियाना वैसिलीना को छोटी डायन बुलाती है, ये सुनकर ही वैसिलीना वहाँ से डर के मारे भाग जाती है जो सब एक अनजान आदमी देख रहा था। वैसिलीना आकर अपने पिता को सारी जानकारी देती है जो जानकारी पेंटर निकोलाय को दे देता है, जिससे निकोलाय को लगता है कि ओलियाना ने ही कुत्ते को मारकर उसके खून से निशान बनाया और वही रहस्यमय घुड़सवार के साथ है। निकोलाय तुरंत ओलियाना से मिलने निकल पड़ता है, पर जब वो उसके घर पहुंचता है तभी वो देखता है कि वही अनजान इंसान ओलियाना की हत्या करके वहां से भागने ही वाला होता है, पर निकोलाय के बीच में आ जाने के कारण वो उस पे भी हमला करके भाग जाता है। अब तक सभी वहां आ जाते हैं जहां निकोलाय का सर्वेंट देखता है कि ओलियाना को चांदी के किले से क्रूसीफाई किया गया है, और चांदी के किलों का प्रयोग डायन की हत्या के लिए किया जाता है, जिससे निकोलाय को विश्वास हो जाता है कि ओलियाना रहस्यमय घुड़सवार के साथ है। वहां उन्हें कुछ लिखा हुआ भी दिखाई देता है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। वो सभी उस लाइन को एक पेपर में लिखते हैं। अलेक्जेंडर निकोलाय से सवाल करता है कि तुमने हत्यारे को नहीं देखा और तुम्हें यहाँ अकेले आने की क्या जरूरत थी। उसके बाद उसे साफ पता चलता है कि वो सारा शक निकोलाय पर कर रहा है, निकोलाय ने ही ओलियाना की हत्या की है। पर निकोलाय कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, और वो अलेक्जेंडर को जितना जल्दी हो सके सभी लड़कियों को खेत में छुपाने को कहता है क्योंकि रात होने ही वाली है। अगले सीन में अब डॉक्टर और ओलियाना को देखते हैं जो बताते हैं कि इसके दिल पर वार करने के बाद भी ये जिंदा है, उन्हें अंधविश्वास पर भरोसा नहीं, पर ये बाकी इंसानों से अलग है। निकोलाय वहां से अपने घर आता है और घर आकर वहीं लिखी हुई लाइन को पेपर में लिखकर दीवारों पर चिपका देता है। तभी वहां ओक्साना भी आती है। निकोलाय उसे पूछता है कि क्या तुम इसे पढ़
पढ़ सकती हो, और वो उसे वही हथियार दिखाता है जिससे उस अनजान इंसान ने ओलियाना को मारा था। पर ओक्साना उस हथियार को देखते ही पीछे हट जाती है। वो बताती है कि ये एक पवित्र हथियार है जिससे शैतानी आत्मा को मारा जाता है, जो कहते ही ओक्साना वहां से गायब हो जाती है। अब निकोलाय को समझ आता है कि ओलियाना सच में डायन थी और अभी तक वो मरी नहीं, जिसका मतलब साफ है कि हत्यारा फिर से उसे मारने आएगा। निकोलाय सारी बात अलेक्जेंडर को बताता है और वो सभी डॉक्टर के वहाँ छुप जाते हैं, जिस दौरान वो अनजान हत्यारा फिर से आता है, जिसका मौका देकर वो सभी उसे अंत में धर लेते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर निकोलाय से माफी मांगता है कि उसने उस पर शक किया। वो सभी उसे लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं। निकोलाय उसे वही लाइन दिखाता है कि क्या लिखा है इसमें, जिस पर वो बताता है कि ये डार्क लैटिन है जिससे मंत्र बनाया जाता है। अलेक्जेंडर उससे उसके बारे में पूछता है। उसका नाम खोमा होता है, जो एक ओझा है। निकोलाय उसे इस गांव में आने की वजह पूछता है, जिस पर खोमा बताता है कि वो 3 साल से ओलियाना के पीछे था, क्योंकि वो एक डायन है। इस बार वो उसे मारने ही वाला था कि तुम लोग बीच में आ गए। उसका हाथ मानो नकली हो। वो अपनी हथेली को निकालकर रस्सी से आजाद हो जाता है। निकोलाय उसे वही हथियार दिखाता है जिससे उसने ओलियाना को मारा था। खोमा अब आजाद था, जिसके बाद वो उसी हथियार को लेकर निकोलाय के ऊपर रख देता है और अलेक्जेंडर को जेल के अंदर अपने आप को कैद करने को कहता है। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वो निकोलाय को मार देगा। खोमा बाहर आकर निकोलाय से मदद मांगता है कि उसे उसकी जरूरत है ताकि वो रिचुअल पूरा कर सके। पर खोमा बताता है कि तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि ओलियाना डायन है। दूसरी तरफ उसका सर्वेंट जेल में आकर अलेक्जेंडर को निकाल लेता है, जिसके बाद अलेक्जेंडर कहते हैं कि सभी लड़कियों को छुपा दो, जो सर्वेंट ऐसा ही करता है। निकोलाय और खोमा दोनों ओलियाना को चर्च ले आते हैं। निकोलाय खोमा से वी का मतलब पूछता है। खोमा बताता है कि इसका मतलब नर्क के शैतान है। ओलियाना उसे शक्ति देती है और जब वो चाहे उसे बुला भी सकती है। खोमा बताता है कि जैसे ही वो आएगा हम उसे मार देंगे। खोमा शैतान से बचने के लिए वहाँ एक सर्कल बनाता है और निकोलाय को अंदर आने को कहता है, पर निकोलाय के एक पैर रखते उसे फिर से विजन्स नजर आने लगते हैं, पर खोमा उसे जबरदस्ती अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ सर्वेंट सभी लड़कियों को खेत के छोटे से झुग्गी में रख देता है और वहाँ कुछ आदमियों को पहरेदारी के लिए लगा देता है। अब इस तरफ चर्च में ओलियाना एकदम घिनौने रूप में जाग जाती है। दूसरी तरफ रहस्यमय घुड़सवार भी उन लड़कियों के पास आ चुका था और वो दरवाजा तोड़कर अंदर चला आता है और कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। उसकी एक वार से तलवार दिखाते सीन वहां से कट हो जाता है, जिसका मतलब साफ है कि उसने सभी लड़कियों की हत्या कर दी। वहीं यहाँ ओलियाना निकोलाय पर हमला करती है, पर निकोलाय के सर्कल में होने के कारण वो उसे कुछ नहीं कर पाती। इसी दौरान खोमा कोई किताब पढ़ने लगता है, पर उस सर्कल की एक लकड़ी कमजोर होती है, जिस पर निकोलाय के पैर रखते ही सर्कल टूट जाता है, जिससे निकोलाय को फिर से विजन आने लगती है और यही मौका देखकर ओलियाना निकोलाय पर हमला कर देती है। पर निकोलाय के पैर पीछे करते ही फिर से वो सर्कल जुड़ जाता है। अब यहाँ अलेक्जेंडर के पास एक आदमी आता है जो उसे खेत की सारी जानकारी देता है। अलेक्जेंडर तुरंत वहीं के लिए निकल पड़ता है, पर वहाँ सभी लड़कियाँ की लाश होती है, जिससे वो सारी बात समझ जाता है कि रहस्यमय घुड़सवार ने इसीलिए लड़कियों के घर पर निशाना लगाया ताकि हम उन्हें एक अलग जगह एक साथ छिपा दे, ताकि वो आसानी से सभी को एक ही वार में मार सके। सर्वन बताता है कि ये बात किसी को नहीं मालूम थी कि तुमने लड़कियों को कहाँ छिपाया, जिससे अब अलेक्जेंडर फिर से शक करने लगता है कि इन सब के पीछे निकोलाय ही है। पेंटर बताता है कि उसे मालूम है निकोलाय चर्च गया है। वो तीनों अब चर्च के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ चर्च में निकोलाय से फिर से सर्कल टूट जाता है, जिससे ओलियाना खोमा को बाहर खींच लेती है। अब इस गंभीर परिस्थिति में खोमा निकोलाय को बताता है कि तुम अंधेरी दुनिया से हो, तुम इस किताब को पढ़ सकते हो और जब वो शैतान आए तो उसे मौका देकर उसकी जान लेनी होगी, जिसके बाद ओलियाना खोमा की जान ले लेती है। निकोलाय अब उस किताब को पढ़ना शुरू करता है, पर तब तक ओलियाना उस शैतान को बुलाती है, जिससे चर्च के दरवाजे अपने आप टूटने फूटने लगते हैं। और तभी एक भयानक आवाज आती है, जिससे चर्च में लगे सारे कांच भी टूट जाते हैं और फिर किसी रहस्यमय पेड़ की जड़ चर्च में प्रवेश करने लगती है, मानो कि ये वही लाल फूल का पेड़ हो। अब उस पेड़ की आंख खुल जाती है। ओक्साना कांच की मदद से निकोलाय को शैतान की आंख में देखने से मना करती है। निकोलाय फिर से किताब पढ़ने लगता है, पर ओलियाना उसे शैतान की आंख में देखने के लिए सम्मोहित करने लगती है और अब निकोलाय गलती से उसकी आंख में ही झांक बैठता है, जिससे वो शैतान निकोलाय को अपने अंदर समाने लगता है। यानी कि बासीवर की बात सच थी कि ये फूल
तुम्हें नरक ले जाएगा। पर निकोलाय उसे पेपर में लिखी वही लाइन पढ़ाता है जिससे वो शैतान अब कमजोर हो जाता है और वहां से तुरंत भागना शुरू करता है। शैतान के जाने के बाद ओलियाना भी वहीं ढेर हो जाती है और निकोलाय भी वहां कमजोर बेहोश हो जाता है। चर्च के पीछे एक भयानक पत्थर का निशान भी आ रहा था पर अब वो भी टूट कर मिट्टी में समा जाता है। डॉक्टर और सर्वेंट भी वहां पहुंचते हैं जहां अलेक्जेंडर निकोलाय को चेक करता है पर वो सांस नहीं ले रहा था। तभी हमें निकोलाय के बचपन के सीन्स दिखाए जाते हैं जब निकोलाय ने मरा हुआ जन्म लिया था और उसी दौरान वो ही बिना नाक वाला आदमी आया था जिसके निकोलाय पर हाथ रखते ही निकोलाय में जान आ गई थी, जिसके तुरंत बाद ये चैप्टर 4 यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको इसका आगे का चैप्टर देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।